Hello student. So this presentation is all about how you will write your practical examination that you are going to face from Monday. तो ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शन आप सुनिए. इस प्रेजेंटेशन में व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कौन से हेडिंग्स पे कितने मार्क आपको मिलेंगे, क्या क्या राइटअप करना जरूरी है, किन बातों का ख्याल रखना है, कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, कितनी एक्टिविटीज करना है और क्या क्या उसमें राइटअप करना है, सब कुछ मैंने इस प्रेजेंटेशन में बनाया. प्लीज हर एक चीज को ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है? सारे इंस्ट्रक्शन देखिए ध्यान से. मैंने सारे इंस्ट्रक्शन फीड किए हैं इस पीपीटी के अंदर. तो सबसे पहले रिपोर्ट 15 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ा 10 मिनट पहले आप आ जाइए, सो दैट वी कैन चेक योर मैनुअल्स, क्या वो प्रॉपरली साइन है, हॉल टिकट है. कभी कभार हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, मैनुअल भूल जाते हैं, हॉल टिकट इधर उधर हो जाती है. तो थोड़ा 15 मिनट पहले आप सेंटर पर आ जाइए, यानी लैब के सामने आ जाइए, फिजिक्स लैब के सामने. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. यू कैन नॉट डिस्टर्ब द एग्जामिनेशन हॉल. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आइए यहाँ पर. ब्रिंग योर आई कार्ड, कॉलेज आई कार्ड विथ यू. सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, ब्रिंग योर हॉल टिकट विथ यू, ठीक है? ब्रिंग योर पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, वट एवर यू मे नीड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और सर्टिफाइड जनरल. दिस इज लाइक योर हॉल टिकट. ब्रिंग योर सर्टिफाइड जनरल. सर्टिफाइड जनरल के बगैर यू कैन नॉट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द लैब. तो ये सारी चीजें चाहो तो ये नोट डाउन कर लो आप. नंबर 1, नंबर 2, और ये कितनी चीजें हैं, तो इसकी एक लिस्ट आप बनाकर रख, ठीक है? ये 5 चीजें आपको चेक करना है बिफोर यू कम फॉर द एग्जाम्स. नाउ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, ठीक है? टोटल 30 मार्क है, देयर आर टोटल 30 मार्क्स. तो 30 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसा है. आपको एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करोगे, यू विल गेट 10 मार्क्स. अब उस लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या राइटअप करना है वो इसके बाद वाली पीपीटी में मैं समझाता हूँ. पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को समझ लो, यानी सबसे पहले आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है? उसके बाद यू विल परफॉर्म 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट. एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, इसके टोटल मार्क्स है 5. देन यू हैव टू परफॉर्म 1 एक्टिविटी. एक्टिविटी परफॉर्म करने पर आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स. तो ये हुआ यहां से लेकर ये पूरा राइटिंग पार्ट हुआ, ठीक है? तो ये मिलेंगे टोटल 20 मार्क्स राइटिंग के. आपको एक पेपर राइटअप करना है, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना है, ठीक है? इफ यू ब्रिंग योर सर्टिफाइड जर्नल यू विल गेट 5 मार्क्स, सर्टिफाइड जर्नल के 5 मार्क. और लास्ट में देयर विल बी अ वाइवा. सो वी आर आस्किंग यू 5-10 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का. 5 आंसर आप देते हो, यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर वाइवा. सो दिस इज हाउ, ये सर्टिफाइड जनरल और ये वाइवा के 10 मार्क, ऐसे टोटल मिला के यू विल गेट 30 मार्क्स. सो दिस इज हाउ मार्क्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पीपीटी. अब यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. पेपर जब आप राइट अप करोगे तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ पे ये क्लियरली मैंने बताया है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. ये जो सामने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिखाई दे रहा है, दिस फॉर्मेट वॉज गिवन बाय बोर्ड. ये फॉर्मेट बोर्ड का है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा और आसान किया है समझने के लिए, ठीक है? तो नेक्स्ट पीपीटी में मैंने इसको थोड़ा सा और आसान किया, मैंने थोड़ा डिवाइड कर दिया कि आप लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैसे लिखोगे, शॉर्ट कैसे लिखोगे और एक्टिविटी कैसे राइट अप करो, ठीक है? सो नाउ लुक एट दिस. मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में ये इसको रिकॉर्ड किया है, प्रीवियस पीपीटी ही है ये. देखिए, एम तो ऑलरेडी ये आपके पास रहेगा, ये वाला जो है एम तो ऑलरेडी आपके पास एक चिट रहेगी पेपर के ऊपर, एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, वहां पे एम लिखा रहेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? देन एपरेटस, ये एपरेटस आपको राइट अप करना है. अब एपरेटस जो भी आप, जैसे सोनोमीटर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पता है सोनोमीटर में क्या क्या लगता है. सोनोमीटर बॉक्स होता है, एक वायर होता है, ट्यूनिंग फॉक्स है, रबर पैड है, ठीक है? तो जो जो भी एपरेटस आपके सामने रखे हैं वो आपको लिखना है कि ये एपरेटस हम यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? नाउ थर्ड साइड हेडिंग है डायग्राम. जितनी ये 10 हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी है,
ये सारी के सारी हेडिंग्स लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में आपको लिखना ही है। ये सारे 10 हेडिंग्स लिखना जरूरी है, मस्ट है, कंपलसरी है। अगर आप मिस कर रहे हो, कोई एक हेडिंग आप नहीं राइटअप कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने मार्क्स मिस कर रहे हो। ठीक है, सो डायग्राम, अगर आप जो एक्सपेरिमेंट आपको मिला है क्वेश्चन पेपर में उसकी डायग्राम प्रॉपरली बनाते हो, यू विल गेट 1 मार्क फॉर डायग्राम। उसके बाद आप फॉर्मूला राइटअप करते हो, जैसे सोनोमीटर का आ गया, आपने वहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा 1/2L अंडर रूट टी बाई एम, और इसमें कौन कौन सी टर्म क्या क्या है इसको एक्सप्लेन किया प्रॉपरली, फॉर्मूला लिखने पर 1 मार्क। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस प्रॉपरली, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, यू विल गेट 1 मार्क्स। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस प्लस ऑब्जर्वेशन टेबल। आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो और परफॉर्म करने के बाद सारी रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करते हो, तो परफॉर्मेंस प्लस रिकॉर्डिंग पर आपको मिलते हैं टोटल 3 मार्क। सबसे ज्यादा मार्क यही वाले सेक्शन पर है। ठीक है, उसके बाद आप करते हो कैलकुलेशन, यू विल गेट 1 मार्क्स। अगर उस प्रैक्टिकल में ग्राफ है, ग्राफ ड्रॉ करते हो 1 मार्क्स, एंड यू राइट रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट्स, यू विल गेट 2 मार्क्स। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट्स यू विल गेट 2 मार्क्स। और लास्ट में आपको लिखना है प्रिकॉशंस, एटलीस्ट 2 प्रिकॉशन यहाँ पे आपको लिखने हैं, 2 प्रिकॉशन, एटलीस्ट 2 प्रिकॉशन आपको लिखनी है। तो ये टोटल 10 हेडिंग्स लिखने पर आपको मिल जाएंगे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट पर 10 मार्क। चाहो तो यहाँ पे काउंट कर लो, 1, 2, दिस इज 3, 3, 6, और ये 4, 10। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 10 मार्क्स। लेकिन मान लो आपने फॉर्मूला लिखना भूल गया, तो 10 में से 1 मार्क हो जाएगा कट, यू विल गेट 9 मार्क्स। आपने ग्राफ नहीं बनाया, 1 मार्क और कट हो जाएगा। रिजल्ट लिखा, यूनिट्स प्रॉपरली नहीं लिखे, यू विल गेट 1 मार्क आउट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये 10 हेडिंग्स को ध्यान से देखिए, ये 10 हेडिंग्स लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में लिखना मस्ट है, कोई ऑप्शंस नहीं है, ये 10 में से कोई हेडिंग नहीं छोड़ना है आप लोगों। ठीक है, ये तो बात होगी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट की। अब मैं आ जाता हूं शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये है शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में जो जिसे लॉन्ग में लिखा था उतनी ज्यादा हेडिंग्स नहीं है, ये 5 ही मार्क का होता है। तो इसमें सबसे पहले एम, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर पर है, देन अपरेटस यू विल राइट, यू विल ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम के लिए तुम आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू विल परफॉर्म द शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, यू विल राइट ऑब्जर्वेशंस, यू विल रिकॉर्ड द रिकॉर्डिंग्स इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क। ठीक है, ये होगा भी शॉर्ट, इसके लिए टाइम भी 45 मिनट होता है। देखिए लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम 1.5 आवर होता है और इसके लिए टाइम होता है 45 मिनट। ठीक है, और लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए आपको टोटल 1.5 घंटा मिलता है, 1.30 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ, यू विल गेट 1 मार्क्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन यू विल गेट 1 मार्क। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर टोटल 5 मार्क्स फॉर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट एक्सपेरिमेंट में भी गाइज ये 6 हेडिंग में से किसी को भी मिस नहीं करना है। एक हेडिंग को आप साइड हेडिंग को मिस करते हो, डायग्राम आपने नहीं बनाई, 1 मार्क कट हो जाएगा। आपने ग्राफ कैलकुलेशन नहीं किया, 1 मार्क आपका कट होगा। कोई भी हेडिंग ये 6 में से मिस नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट में टोटल 10 हेडिंग लिखना है और शॉर्ट में ये 6 हेड्स आपको कंप्लीट कवर करने ही है। ठीक है, लास्ट में ये हो गए पास, टोटल 15 मार्क हो गए, 10 मार्क लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के, ठीक है 5 मार्क शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के हो गए 15। अब आते हैं एक्टिविटी पर। ठीक है, एक्टिविटी आपको देगी 5 मार्क। ठीक है, अब एक्टिविटी में क्या क्या राइटअप है, तो एक्टिविटी में एम लिखिए, एपरेटस, ड्रॉ द डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस विथ ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, 2 मार्क इसके, ये हो गए टोटल 3। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटअप, देखिए यहाँ पे राइटअप करना है आपको, आपको जो एक्टिविटी आप कर रहे हो ना उसके बारे में शॉर्टकट में लिखना है कि आपने क्या किया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मल्टीमीटर आप है आपके पास, तो आपने मल्टीमीटर की हेल्प से क्या किया, आपको क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर, आपने कैसे उसको परफॉर्म किया, शॉर्टकट में राइटअप करना है, इसके लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। और लास्ट में है रिजल्ट एंड कैलकुलेशन,
इसके लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क, यानी टोटल यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस, ठीक है। और इसके लिए टाइम एक्टिविटी के लिए आपको मिलेगा 45 मिनट, सफिशियंट टाइम होता है गाइस ये। तो 1.5 घंटा आपको मिला है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए, 45 मिनट मिले हैं शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम मिला, ये मिला है 45 मिनट शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, और एक एक्टिविटी के लिए आपको मिला है 45 मिनट। दिस इज हाउ यू विल गेट 3 ईयर्स। तो 3 घंटे में, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, 2 घंटे में ये फिनिश हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन किया है तो, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी के वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी क्वेश्चन तो मैं नहीं बता रहा हूँ लेकिन कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। तो उसके पहले है सर्टिफाइड जनरल। हाँ, जनरल अगर आप लेके आते हो तो इसके आपको मिल जाएंगे 5 मार्क। अगर सर्टिफाइड जनरल आपने प्रॉपरली साथ में लेकर आया है, सर्टिफाइड जनरल के आपको मिलेंगे टोटल 5 मार्क, ठीक है। तो 20 मार्क हो गए ऊपर, और ये 5 मार्क हो गए, टोटल 25। और लास्ट में अब है वाइवा, ठीक है। वाइवा में आपको किस तरीके से मार्क मिलेंगे ध्यान से देखो आप। वाइवा ऑन एनी थ्री एक्सपेरिमेंट, किसी किसी भी 3 एक्सपेरिमेंट पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप प्रॉपरली आंसर दे देते हो 3 क्वेश्चंस का, यू विल गेट 3 मार्क्स। और वाइवा ऑन एनी टू एक्टिविटी, कोई भी 2 एक्टिविटी पर 2 क्वेश्चंस, वो करेक्ट आंसर देते हो तो आपको मिलेंगे 2, टोटल आपको मिल जाएंगे 5 मार्क। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 30 मार्क्स। फिर से मैं एक बार बता दूं, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट पर आपको मिलेंगे 10 मार्क, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट पर आपको मिलेंगे 5, एक एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे यू विल गेट 5 मार्क्स, आपके पास सर्टिफाइड जर्नल है यू विल गेट 5 मार्क्स, आपने वाइवा के आंसर्स करेक्टली दिए यू विल गेट 5 मार्क्स। दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 30 मार्क्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। ओके नाउ मैं थोड़ा सा एक सैंपल बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होता है। ये एक डेमो स्लिप है, ये क्लास 11 की है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक सेट नंबर गिवन होता है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में टेबल नंबर होते हैं, ठीक है। ये टेबल नंबर के इंस्ट्रक्शन तो मैं एग्जाम में आपको दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए टेबल नंबर 8 पर आपको जाना है, मतलब यहाँ पे आपको स्फेरोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा टोटल, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ये 11 की है, ये डेमो स्लिप है 11 की है, ठीक है। ये 45 मिनट, और बाद में फिर एक और एक्टिविटी 45 मिनट, यानी यहाँ पे आपको एक्टिविटी के बजाय क्या होगा, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट की स्लिप है जो कि मैंने यहाँ पे स्कैन करके लगाई है, और उसका लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी राइटअप करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको राइटअप करना है, देखिए कितना प्रॉपरली राइटअप किया है उसने यहाँ पर, जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए दिए ना, प्रॉपरली वैसे राइटअप किया। सबसे पहले उसने एम लिखा है यहाँ पर, टैग ये हेडिंग नंबर 1, उसके बाद उसने एपरेटस को लिखा, फिर डायग्राम ड्रॉ की यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस लिखे, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस लिखने के बाद देखिए हर एक चीज उसने प्रॉपरली लिखी है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्मूला राइटअप किया, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ किया, ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद बहुत प्रॉपर लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी फाइनल एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट के बाद उसने प्रॉपरली प्रिकॉशंस भी लिखे हैं। ग्राफ इस एक्सपेरिमेंट में नहीं था तो उसने ग्राफ को यहाँ पे नहीं लिखा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टैग व्हेन यू आर राइटिंग योर फाइनल पेपर, ठीक है। देखिए ये एक्टिविटी, एक्टिविटी को उसने कितने प्रॉपरली, कितना प्रॉपरली लिखा है, उसने हेडिंग दी है, एम लिखा है, एपरेटस, डायग्राम, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। उसके बाद अब शायद आपके कुछ क्वेरीज ये हो सकती है कि अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में डायग्राम नहीं है या ग्राफ नहीं है तो क्या करेंगे। डायग्राम तो होगी, ग्राफ हो सकता ही नहीं है, जैसे कि मीटर ब्रिज केल्विन्स मेथड में ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ नहीं है तो नो नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ है नहीं तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज हाउ ही हैज डन द राइटअप, उसने राइटअप किया, 3 पॉइंट उसने शॉर्टकट में लिखे, और फाइनली उसने लिखा है कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन योर पेपर क्लियर। आपको पेपर लिखना है, ज्यादा काट छाट वहां पे करनी है नहीं। तो दैट्स इट, जो भी आपकी क्वेरीज है, एक लाइव सेशन संडे को इवनिंग में करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज है, एक लाइव सेशन संडे को इवनिंग में करेंगे,
वहां पर मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। सो गाइज प्लीज वॉच दिस प्रेजेंटेशन।